लंबी लंबी सांसें लीजिए। चाचा जी, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? कोई चिंता है क्या? चिंता तो सबसे बड़ी वाली है डॉक्टर बाबू। आइए 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 आइए, ज्यादा टेंशन मत लिया कीजिए चाचा जी, वरना अगर बीमार नहीं है तो भी हो जाएंगे। वैसे एक बात बताइए, आपको चिंता किस बात की? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। बेटी की शादी की चिंता है। क्या है कि हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और उसकी शादी हो ही नहीं पा रही। फिर तो आपको हमारे पास नहीं, किसी मैरिज ब्यूरो जाना चाहिए। हाँ। अरे वहां के चक्कर लगा लगा के तो चप्पल घिस गई। लड़के देखने तो आते हैं पर बात ही नहीं बनती है। क्यों चाचा जी? अब क्या बताएं? देखो हम लोग हैं बिल्कुल सीधे साधे और हमारी लड़की कलावती भी बिल्कुल हमारी तरह सीधी सादी, और हमें भी मॉडर्न लड़का नहीं चाहिए, सीधा सादा लड़का चाहिए अपने जैसा। इसलिए कई बार रिश्ते की बात बनते बनते रह जाती है। क्या कहें, भाग्य साथ नहीं देता। सच में पिता के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ी चिंता होती है। फिर तो मेरे हिसाब से चाचा जी आपकी बीमारी का एक ही इलाज है, आपकी बेटी की शादी। तो कोई लड़का ध्यान में हो तो बताइए ना। एक मिनट, घर से बोल। अरे डॉक्टर बाबू के आई हूँ। पोपटलाल से बात बन सकती है? चाचा जी को पूछ के देखते हैं। हाँ ठीक है। चाचा जी, हमारे सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल रहते हैं और उनकी भी शादी नहीं हुई, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो दोनों का घर बस जाएगा। लड़का तो अच्छा है ना? चाचा जी, पोपटलाल भाई की जिम्मेदारी हमारी। मैं क्या कहता हूँ चाचा जी, लड़का लड़की दोनों को देखने का प्रोग्राम हमारे घर ही रख लेते हैं। हाँ। कहिए कब आना है? आज आप जब भी कंफर्टेबल हो आ जाइए। आज के दिन? एक मिनट, हंस एक बार पोपटलाल भाई को पूछ तो लो। अरे शादी की बात है, पोपटलाल जहां भी होगा दौड़ा आएगा। आज 4 बजे का समय अति उत्तम रहेगा, आपको चलेगा? दौड़ेगा। चलिए तो मैं चलता। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीव। डॉक्टर हाथी बोलिए। हाथी भाई। पोपटलाल भाई, मैं मिसेस हाथी बोल रही हूँ। अरे कोमल भाभी आप? और आपके लिए एक खुश खबर है। हाँ वो लड़की की ना? हाँ। मुझे देखने आ रहे हैं। हाँ। शाम को 4 बजे। पोपटलाल भाई आप कहाँ हो? घर पर। घर पे? किसके? अरे खुद के और किसके। तो आपको कैसे पता चला? क्या? यही कि लड़की वाले 4 बजे आपको देखने आने वाले हैं। दया भाभी ने बताया। दया भाभी ने? ओके ठीक है ठीक है। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। कैसे पता चला? कमाल है। क्या हुआ कोमल? हंस, इतनी देर में पोपटलाल भाई को पता भी चल गया कि 4 बजे लड़की वाले उन्हें देखने आने वाले हैं। असंभव, कैसे पता चल गया? दया भाभी ने बताया। हाँ। इतनी देर में बात फैल भी गई। मैं अभी दया भाभी को फोन करती हूँ। गोकुल गमना हमें मैया रे। हेलो। हेलो दया भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। ओहो कोमल भाभी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दया भाभी, आपने पोपटलाल भाई को बताया कि 4 बजे लड़की वाले उन्हें देखने आने वाले हैं? आपको कैसे पता चला? लो करो बात। कोमल भाभी आप भी कमाल की मजाक करते हैं। अरे मैंने ही लड़की वाले को 4 बजे हमारे घर पर बुलाया है, तो मुझे तो पता हो गई ना। मतलब आपने भी लड़की वालों को 4 बजे बुलाया है? आपने भी मतलब? दया भाभी, हंस के एक पेशेंट है पंडित चाचा, उनकी लड़की भी 4 बजे ही पोपटलाल भाई को देखने आने वाली है। ये तो धर्म संकट हो गया कोमल भाभी। अरे मेरी पहचान वाले जसंत काका है ना, वो भी अपनी बेटी सेनोरिटा को लेके हमारे घर पर 4 बजे ही आ रहे हैं। ओह माय गॉड, वो लोग भी 4 बजे आ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ। दया भाभी, हम अभी आपके घर पे आ रहे हैं। हाँ हाँ आइए आइए, तब
पोपट भाई को भी बुला लेती हूँ। क्या हुआ भाभी, ये लड़की वालों ने आना कैंसिल तो नहीं कर दिया ना? आप कुछ मत पूछिए, जल्दी से घर पर आ जाइए। ठीक है, अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। ये भगवान, अब क्या नई मुसीबत आ गई। दया भाभी, क्या बात हो गई, ऐसा क्या टेंशन हो गया भाई? आपका फोन है तब से मेरी तो दुनिया हिल गई है। पोपट भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टेंशन छोटे सा ही है, बड़ा टेंशन होता है तो टेंशन लेते हैं, बाकी छोटा टेंशन होता है तो टेंशन क्यों ले? अरे भाई, ऐसा कैसा टेंशन है कि टेंशन ना ले? बात यह है कि लड़की वालों ने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। नहीं नहीं, नहीं लड़की वाले तो 4 बजे आपको मिलने आ ही रहे हैं। बस बस बस, तो ठीक है भाई, बाकी और कोई भी टेंशन हो दया भाभी सब चलेगा। पोपट भाई, बात यह है, जसवंत काका और उनकी लड़की सेनोरिटा आपको मिलने के लिए हमारे घर पर 4 बजे आने वाले हैं। और सेनोरिटा? अरे वो तो आएगी ही ना। फिर ठीक है। और 4 बजे हमारे घर भी मेरे एक पेशेंट है पंडित चाचा, वो अपनी लड़की के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। क्या? अरे दो दो लड़कियां मुझे देखने के लिए आ रही है? अरे वाह भोलेनाथ वाह, कमाल हो गया। यहाँ एक लड़की की बात नहीं हो रही थी और यहाँ पर एक साथ दो दो लड़कियां। ओहो पोपटलाल, आज तो छाते के साथ पोपटलाल का खाता भी खुल गया। पहले एक लड़की की बात नहीं हो रही थी और अब दो दो लड़की की बातें। अरे कमाल हो गया। अरे जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर। अरे वाह आती भाई वाह, थैंक यू वेरी मच कोमल भाभी, आप लोगों ने भी मेरे लिए लड़की ढूंढी। थैंक यू वेरी मच। तो लड़कियां देखने आ रही है। भाई आप लोग ऐसे मुंह लटका के क्या बैठे, ये कोई टेंशन की बात थोड़ी है, खुशी की बात है। अरे नाचो। ए पोपट, जरा बैठ जा। अभी ये फड़फड़ाना बंद कर और ध्यान से सुन, 4 बजे दोनों लड़कियां एक साथ आ रही है। क्या दोनों 4 बजे? हाँ। आपकी लड़की भी 4 बजे आ रही है? अरे मेरी लड़की कहाँ से आ गई पोपट लाल, मेरे पेशेंट की लड़की। हाँ ओ हाँ वही। अब क्या करें? इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, एक लड़की को मना कर देते हैं, मैं अभी पंडित जी को फोन कर लेता हूँ। अरे हाथी भाई फोन नीचे रखिए। अरे क्या ना बोल देता हूँ, ऐसे रिश्ते को ना बोलते। अरे शादी के मामले में मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। राइट, पोपटलाल भाई के शादी के बारे में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। भाई मैं तो दोनों लड़कियों को देखूंगा। हाँ भाई, तू दोनों लड़कियां देखना, पहले तू एक लड़की को देख, वो अगर हाँ बोलती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना बोले तो फिर तू दूसरी लड़की को देखना। सही बात है। अरे चाचा जी आप क्या बोल रहे हैं, जब तक मैं पहली लड़की को देखूंगा तब तक अगर दूसरी लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया तो मैं तो कुंवारा का कुंवारा ही रह जाऊंगा। अरे भाई इतनी मुश्किल से तो रिश्ता आया है, आप सब लोग मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा समझो। चाचा जी अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो आप मेरी शादी कराने की गारंटी लेते? मैं? नहीं भाई नहीं, तुझे जो ठीक लगे वो तू कर, वरना इस बार तेरा रिश्ता नहीं हुआ तो जिंदगी भर तू तो मुझे दोष देता रहेगा। अब इस उम्र में ये बूढ़े कंधों पे मैं ऐसे इल्जाम का बोझ नहीं उठा सकता भाई। और वैसे भी बहू, वो आज वो करसन के घर पे पूजा है तो मुझे वहां जाना है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। क्या मुझे तो अब इसमें एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? एक लड़की को हम 4 बजे बुलाते हैं और दूसरी लड़की को बाद में बुलाते हैं, सिंपल। सही बात है, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। गुड, ठीक है फिर मैं पंडित जी को 5 बजे आने के लिए कह देता हूँ। पंडित जी नमस्कार, मैं डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए डॉक्टर बाबू। हाँ एक विनती थी आपसे। कहिए कहिए। आप 4 बजे की जगह 5 बजे आ सकते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, 5 बजे तो हमारे यहाँ दिल्ली से खास मेहमान आने वाले हैं, हम 4 बजे ही आ पाएंगे, आपको असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है। क्या हुआ, नहीं माने? वो क्या है ना दया भाभी कि दिल्ली से पंडित जी के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं तो वो टाइम चेंज नहीं कर सकते।
अरे अब क्या करेंगे, क्या होगा मेरा? शांति, मैं एक काम करती हूँ, जसवंत काका को फोन करके कहती हूँ कि आप प्लेन जरे 4 बजे के बदले 5 बजे आएंगे। हाँ, बैठे ठीक है। 98 3 दिन। हाँ हाँ, अरे वाह, वो क्या है, थोड़ा नंबर ऐसा है तो याद है मुझे, वो आखिरी नंबर। हाँ जसवंत काका, जय श्री कृष्णा। जसवंत काका, वो एक विनती करनी थी आपसे, वो आप जरा 4 बजे के बदले 5 बजे आ सकते हैं? ठीक है। नहीं माने ना? मान गए। अरे मान गए? वो लोग 5 बजे आने के लिए मान गए? वो पर भाई हाँ, किस्मत आपको साथ दे रही है। नहीं दे रही है पोपटलाल, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। पंडित जी का SMS आया है, वो 5 बजे आने के लिए मान गए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। पोपट भाई देखिए, एक लड़की वाले 5 बजे हमारे घर पर आ रहे हैं और दूसरे लड़की वाले भी 5 बजे हाथी भाई के घर पर आ रहे हैं। और दया भाभी, थोड़ी देर पहले जैसे हमारी बात हुई थी, दोनों लड़की वालों के परिवार के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। पंडित जी का परिवार बिल्कुल सीधे साधे विचारों वाला है और जसवंत काका का परिवार एकदम मॉडर्न विचारों वाला है। पंडित जी को धार्मिक बातें पसंद है और जसवंत काका को एकदम आज के जमाने की बातें पसंद है। पंडित जी कुर्ता पजामा पहनते हैं और जसवंत काका कोट पैंट पहनते हैं। पंडित जी को बिल्कुल सीधा साधा लड़का चाहिए, जसवंत काका को एकदम मॉडर्न लड़का चाहिए। इतने टाइम के बाद यहाँ दुकान में आके इतना अच्छा लग रहा है। सेठ जी, मुझे भी आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। सेठ जी, अब थोड़ी देर में आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। कैसे? जब आप मेरे मुंह से सुनेंगे कि मैंने आपकी गैर हाजिरी में कितनी बड़ी डील की है। क्या डील की है? सेठ जी, मैंने एक साथ 50 TV उठा लिए, वो भी 50% डिस्काउंट पर। क्या फेंका फेंक कर रहे हैं नटू काका, 50% डिस्काउंट में कोई कंपनी टीवी नहीं देती है। आपकी बात बराबर है सेठ जी, 50% डिस्काउंट कोई कंपनी नहीं देती। मून टीवी वालों का ऑफर भी 30% का ही था, पर मैंने सामने उनको एक बड़ी ऑफर फेंकी। मैंने कहा अगर 50% डिस्काउंट देते हो तो मैं एक साथ 50 TV के पैसे रोकड़े भर देता हूँ कैश। आपने 50 TV का पेमेंट रोकड़ा कर दिया? लाहौल किला कुवैत है? पाकिस्तान वालों ने मुझे क्यों छोड़ा? सेठ जी, अरे क्या सेठ जी, सारे पैसे रोकड़े से देने की क्या जरूरत थी नटू काका, अभी सारे रोकड़े ब्लॉक हो गए ना। पर एक साथ सारे पैसे कमाने भी मिलेंगे ना। अरे कैसे कमाने मिलेंगे, पैसे तभी कमाएंगे जब टीवी बिकेंगे। या मून टीवी का टीवी एक एक करके मांड मांड बिकते हैं। पर सेठ जी, जब भी बिकेंगे हमारा कितना बड़ा फायदा होगा। अरे नटू काका, ये सारे पैसे अगर मैं ब्याज पे घुमाता ना तो इससे डबल फायदा होता। समझ गए पोपटलाल भाई, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। इसलिए कहता हूँ पोपटलाल, तुम्हें आज एक रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे नहीं, मैं इस बार मैं कुर्बान हो जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन रिश्ते को कुर्बान नहीं होने दूंगा। अरे भाई, मैं पूरब को पूरब की तरह मिलूंगा और पश्चिम को पश्चिम की तरह। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं पोपट भाई, सवाल पूरब पश्चिम का नहीं है, उससे भी बड़ा प्रश्न अभी भी खड़ा है। क्या? समय का, वक्त का, टाइम का है। आप पूरब और पश्चिम को एक ही टाइम पे 5 बजे कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे?
कैसे मिलूंगा? आप समझे बुड़बक? पता नहीं पत्रकार इसको किसने बना दिया। जीवन में तुझे कभी भी कोई भी जगह का कंफ्यूजन हो, डरने का नहीं, सीधा मेरे पास आ जाएगा, सब मैं एकदम दूर कर दूंगा। एक काम करते हैं, मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएंगे, उनका दिमाग तेज चलता है। हाँ कीजिए कीजिए दया, अभी जल्दी कीजिए जेठालाल को फोन। डील करने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लिया होता। कहां से पूछता, आप तो पाकिस्तानी जेल में थे। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? क्या बोलना, फोन क्यों किया? वो सलाह लेनी थी। किस बारे में? पोपट भाई का रिश्ता तय हो रहा है। फिर से? मतलब अब क्या, कौन लड़की है जो शहीद होने को तैयार हो गई है? क्या, कौन है वो लड़की? आप जानते हो उसे, जसवंत काका की बेटी सेनोरिटा। कौन जसवंत काका? अरे जसवंत काका, वो हमेशा कोट पैंट पहनते हैं, याद आया? शादी के बाद हम उनके घर गए थे अहमदाबाद, तो उन्होंने आपके पेट पर एक फेंट मारी थी और कहा था कि पोटली अंदर करो, अब मजाक किया था, याद है? तेरे मायके में सब मेरे साथ मजाक ही करते हैं भाई। जसवंत काका की लड़की है ना, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, करो करो। सुनिए तो सही, एक प्रॉब्लम हो गई है। लड़की देखने से पहले ही प्रॉब्लम होगी? हाँ, बात यह है कि तो अब क्या करें? एक काम हो सकता है। हाँ, हाँ। हाथी भाई को बोलना उनके घर पर जो लड़की आ रही है उसको एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन दे दे और थोड़ी देर के लिए सुला दे। ऐसे थोड़ी होता है, टप्पू के पापा कोई अच्छा रास्ता बताइए ना। एक काम कर, पोपटलाल को बोल कि हमारे घर और हाथी भाई के घर के बीच में उड़ा उड़ करके आया जाया करे, ठीक है? और तू एक काम कर। हाँ हाँ बोलिए। फोन रख दे। क्या बोला जेठालाल? आपको उड़ा उड़ करने को कहा। हा? मतलब क्या? पोपटलाल को बोल कि हमारे घर और हाथी भाई के घर के बीच में उड़ा उड़ करके आया जाया करे। वाह वाह टप्पू के पापा, वाह 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 वाह। पोपट भाई आपकी मुश्किलें दूर हो गई। कैसे? देखिए आप हमारे घर पर सेनोरिटा से थोड़ी देर मिलकर भागकर कोमल भाभी के घर जाना, फिर वहाँ पंडित जी की बेटी के साथ थोड़ी देर मिलकर उसके साथ थोड़ी बातें करके भागकर हमारे घर पर आ जाना, फिर यहाँ फिर से सेनोरिटा से थोड़ी बात करना, फिर फटाक से आप एक मिनट दया भाभी, लेकिन लड़की वाले तो पूछेंगे ना कि पोपटलाल भाई बार बार बाहर क्यों जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो मैं कुछ बहाना बना लूंगा कि मेरे बॉस का फोन है और ये बोल के मैं बाहर चला जाऊंगा। पोपटलाल, दया भाभी के इस आइडिया से तुम दोनों लड़के एक साथ देख सकते हो। यस। बस आप लोग लड़कियों के स्वागत की तैयारी कीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बार मेरी दोनों लड़कियों से शादी हो जाए। मेरा मतलब है कि कम से कम एक लड़की से तो शादी हो ही जाए। हो जाएगी पोपट भाई। थ्रिलर फिल्मों जैसा एक्शन देखने वाले हैं आप। भाई दया भाभी यू तो हाउसवाइफ है, लेकिन एक प्लान उन्होंने ऐसा बनाया है जो थ्रिलर फिल्मों जैसा जोरदार है। भाई मैं हूँ फायर ब्रिगेड जेठालाल का, लेकिन यहाँ पोपटलाल की फायर ब्रिगेड बन गई है दया भाभी। लेकिन हमारे पोपटलाल की किस्मत देखिए साहब, जब रिश्ता नहीं था तो एक भी रिश्ता नहीं था, रिश्तों का अकाल था, और जब रिश्ते आ गए तो दो दो एक साथ आ गए। अब दोनों लड़कियां एक ही वक्त पे आ रही है पोपटलाल को देखने के लिए। अब बिल्कुल नो एंट्री में फंस गए पोपटलाल, लेकिन दया भाभी तो कमाल की है, उन्होंने नो एंट्री में फंसे पोपटलाल को बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा दिया है। लेकिन ये रास्ता ठीक वैसा ही है जैसे किसी सड़क पे बहुत सारा मोबिल ऑयल बिखरा पड़ा हो, उस पे आपको अपनी गाड़ी चलानी हो, यानी कि कदम कदम पे फिसलन है, या किसी बर्फीले रास्ते पे आप पैदल चल रहे हो तो लड़खड़ाएंगे तो जरूर। अब देखना यह है कि इन दोनों लड़कियों को देखने के चक्कर में पोपटलाल इन रास्तों पे कैसे लड़खड़ाते हैं, यानी हंगामे बहुत सारे। ये जितना ज्यादा लड़खड़ाएंगे उतना ज्यादा आप ठहाके लगाएंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि दोनों लड़कियां जो बिल्कुल पूर्व और पश्चिम की तरह भिन्न भिन्न हैं, इन दोनों को देखने में क्या क्या हंगामे होने वाले हैं। ठाके ठाके आपके लिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.